कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर सेफ वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। अभी मैं वाइफ को छोड़ के आया हूँ, उसको काम से जाना पड़ा तो उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया। इतना टाइम हो गया, अभी तक हमको मॉर्निंग का बीच देखने नहीं मिला, तो अभी हम वही जा रहे हैं। मॉर्निंग में बीच कैसे दिखता है यहाँ का? चलूंगा बीच देख के आते हैं। गोवा की एक बात है, दिसंबर में सवेरे ठंडी नेक्स्ट लेवल होती है कि आपको स्वेटर पहनने में मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन जैसे दोपहर हो जाएगी 11 बजने के बाद आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया, बॉयल हो जाओगे। इसलिए अभी हम सवेरे सवेरे निकले मॉर्निंग में, ठंडी का थोड़ा मज़ा लेते हैं। बीच हीटर लाए तो उसका यूज़ तो करेंगे। ये बीच पार्किंग है, सवेरे भी लोग आए रखते हैं बीच के देखने के लिए। कलंगुट बीच पे कोई नहीं है ज़्यादा, हमारे हेलमेट भाई है साथ में, और हेलमेट निकालते हुए एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा वेज वालों के लिए। यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और अभी हम बीच एंटर कर रहे हैं। ये साइड पे सारे शैक्स होते हैं, जैसे आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि इवनिंग में पूरा लेटअप होता है। ये तो कैसे लगा आपको मॉर्निंग का बीच व्यू? मैं तो बोलूँगा बेस्ट टाइम टू कम टू गोवा इज दिसंबर। दिसंबर में आओ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ का अपने को फ़ायदा मिलता है। मॉर्निंग की ठंडी होती है और वाइब्स भी अच्छे होते हैं गोवा के। चलो गुड मॉर्निंग पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर सेफ वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज ये लास्ट डे गोवा का, तो हम रुके एक ब्यूटीफुल रिसोर्ट पे, तो अभी वहाँ का ब्रेकफास्ट ट्राई करने जाते हैं। तो आपको मैं उनका रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ और उनका ब्रेकफास्ट मील भी दिखाता हूँ। ये उनका रेस्टोरेंट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, टोटली सेल्फ सर्विस है, लेकिन मॉर्निंग में फ्रूट्स, प्रॉपर फ्रूट्स है, ब्रेड, बटर, जैम, पूरी भाजी, उसके बाद में है प्लेन डोसा सांभर, और उसके बाद में है साबुदाना। और सबसे अच्छी चीज़ वो है यहाँ पे जूस, फ्रेश जूस। और किसी को चाय कॉफ़ी चाहिए वो भी है, विद कॉर्नफ्लेक्स, विद बॉयल एग्स ऑल्सो, पीछे छुपे हुए अंडे, प्यारे प्यारे अंडे।
तो दिस इज़ अ गुड प्लेस और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सब फ्रेश अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ स्टोर्ड है, जो है सामने बना के देते हैं। तो वी विल एंजॉय द ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल गो आउट एंड द रूम्स ये रूम है गेस्ट फॉर द व्यू, व्यू के लिए रोक के रखते हैं। Get ready, study. And this is the view. आज की सुबह बहुत ही प्यारी है जैसे आप देख सकते हो। ये नेचर के पास रहने का एक फायदा है गोवा में कि इतना खूबसूरत व्यू होता है यहाँ से। ये होटल बुक करने का सबसे मेन रीज़न था वो था ये लेक व्यू। तो आज की आइटिनरी है खाली एक फोर्ट देखना है और एक बीच घूम के आना है। एक दिन में ज़्यादा कुछ किया तो फिर हेक्टिक हो जाता है, तो मेक इट स्वीट एंड सिंपल। तो आज एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट और एक बीच। चलो मिलते हैं डायरेक्ट रोड पे। अभी हम फोर्ट की चढ़ान चढ़ रहे हैं। दोनों साइड पे मार्केट है तो यहाँ पे खाने का टेंशन नहीं है, पानी वगैरह सब है। तो चलो देखते हैं फोर्ट कैसा है। और ये चढ़ाई चालू 117 स्टेप्स। चलो आज है हमारी परीक्षा। ये है चपरा फोर्ट की डिटेल्स। यहाँ से व्यू देखो, अभी से ही बीच दिखा है तो ये बीच तो जाना ही है। पहले ऊपर से देखते हैं हाउ इज़ द व्यू, ऊपर से तो और ही अच्छा रहेगा। चेक आउट द अमेजिंग व्यू। This is the beach we're gonna go after this. बहुत खूबसूरत है। फोर्ट का स्ट्रक्चर तो कुछ बचा नहीं है, खाली बॉर्डर्स बचे हैं। लेकिन ये फोर्ट फेमस होने का एक ही कारण है, वो है उसका एंडलेस व्यू। मतलब ये फोर्ट के एंड पे समुंदर है और वो इतना अच्छा है तो ये व्यू के लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं। पूरा कोस्टल लाइन दिखता है यहाँ से ऊपर से। ये गोप्रो जो है जस्टिस नहीं कर पाएगा उसके साथ, लेकिन बहुत ही अमेजिंग दिखता है ये कोस्टल लाइन। जो आंखें दिखाती है वो कोई कैमरा नहीं दिखा सकता। अब मेरी हालत देख लो, यहाँ पे ऐसी गर्मी है, अभी तक 10 ही बजे, मैं पूरा पसीने से भर गया हूँ यहाँ पे। तो स्टे ट्यून फॉर एन एपिक व्यू। और ये यहाँ का बीच, और ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है यहाँ पे बीच के पास। ऊपर से तो बहुत ही एपिक दिख रहा है ये बीच। एक एडवाइस है, यहाँ पे फोर्ट देखने आओगे ना तो सवेरे 7-8 बजे आओ, 10 के बाद मत आना। इज रियली हॉट इन गोवा। ये है सीक्रेट बीच। यहाँ पे पता नहीं कोई आया होगा कि नहीं। आज पानी बहुत ही ऊपर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि पानी बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ पानी है।
पानी बहुत ही साफ है, नो डाउट एट ऑल। कैसा लगा आपको गोवा का ये सीक्रेट बीच? कौन से बाइक से आते हो, कैसे आते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे एक्सप्लोर करते हो। हम लोग का गोवा आना इसके लिए ही सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हमने एक ड्रीम किया था कि हमें बाइक पे गोवा आना है, फिर वो कोई भी बाइक रहे। मैं मेरे 220 पे आया, मेरा फ्रेंड मेरे GT पे आया, इट डजेंट मैटर। मेन ये है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया ये हमारे लिए प्राइसलेस है, ये हमारी एक मेमोरी बन गई गोवा आके।